सो गाइस, मोस्टली ऐसा होता है जब हम कोई वीडियो कोई अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करना चाहते हैं, कोई भी वीडियो जो हमारी गैलरी पर है या हमने रील्स में से जाके डाउनलोड की है, तो वो हम पोस्ट करते हैं, तो वो पोस्ट तो इजीली हो जाती है, लेकिन अगर वो वीडियो 30 सेकंड से ऊपर की है या 1 मिनट तक की है, तो वो वीडियो हमारी कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वीडियो स्प्लिट हो जाती है और फिर पोस्ट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सिंगल वीडियो सिंगल पार्ट्स में ही रहे और वैसे ही स्टोरी पर लगे, तो वो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो कुछ टाइम पहले अभी इंस्टाग्राम का एक अपडेट आया था, अगर आपने अपडेट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं अभी अपने इंस्टाग्राम पे कोई एक लंबी वीडियो जो 30 सेकंड से ऊपर की है उसे पोस्ट कर सकती हूँ या नहीं, वो भी सिंगल पार्ट्स में बिना वीडियो के स्प्लिट किए। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्लिक करती हूँ यहाँ प्लस के आइकॉन पर, तो यहाँ स्टोरी पर क्लिक करते हैं एंड देन मैं चली जाती हूँ यहाँ पे अपने वीडियो वाले सेक्शन पे। देन जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ एक 32 सेकंड्स की वीडियो है जिसे मैं पोस्ट करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं वीडियो पे क्लिक करती हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो सिंगल पार्ट्स में ही लगेगी स्टोरी पे, अगर मैं अभी लगाना इसे चाहूँ तो स्प्लिट्स नहीं होगी, किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, सिंगल में लग जाएगी। तो मुझे अभी नहीं लगाना है, अगर आपको लगाना हो तो आप इजीली लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी स्टोरी सिंगल पार्ट्स में लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से बैक को जाना है, अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को क्लोज करना है और इसके बाद आपको जाना है यहाँ प्ले स्टोर पर एंड देन आपको यहाँ सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। देन उसके बाद इंस्टाग्राम पे क्लिक करें और फिर उसको स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, जैसे मुझे यहाँ शो हो रहा है यू आर अ बीटा टेस्टर, तो यहाँ आपको शो होगा ज्वाइन अ बीटा, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको अपडेट्स मिलेंगी। बीटा टेस्टर बनने के बाद क्या होता है गाइस, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई भी न्यू अपडेट आता है या कुछ भी अगर वो न्यू लॉन्च करते हैं, ट्रिक्स वगैरह या टिप्स कुछ भी, तो सबसे पहले वो बीटा टेस्टर को यूज़ करने को मिलता है। बीटा टेस्टर सबसे पहले यूज़ करते हैं उनके न्यू अपडेट्स को। देन यहाँ पे आप जैसे ही बीटा टेस्टर ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास भी ऐसा ही इंटरफेस शो होगा, यू आर अ बीटा टेस्टर। देन गाइज आप ज्वाइन कर लेना, उसके बाद ही आपको बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी अपडेट्स में। देन आप भी वीडियोस को लगा सकते हैं बिना स्प्लिट्स किए अपनी स्टोरी पे इंस्टाग्राम पे। देन मैं यहाँ इंस्टाग्राम पे जाके आपको, जैसे यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो शेयर अपनी स्टोरी पे आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। मुझे अभी स्टोरी पे नहीं लगानी है, आपको लगानी हो तो आप इजीली लगा लेना। देन आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।